हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतनी सपोर्ट किया, इतनी प्रेयर्स करी मेरे लिए, उसका भी शुक्रिया। और आज मैं फिर आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आ गई हूँ। आप लोगों ने टाइटल से समझ तो लिया ही होगा कि मैं क्या बताने वाली हूँ। समर सीज़न है और सबकी डिमांड है कि उन्हें मैंगो खाना है और वेट लॉस भी करना है, तो ये कुछ इम्पॉसिबल बात नहीं है। मैंगो खाकर भी आप वेट लॉस कर सकते हैं। तो मैं आज मैंगो की ही बात करने वाली हूँ। सीजनल फ्रूट है और हमें खाना भी चाहिए, और ये किंग ऑफ द फ्रूट है और बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही डिलीशियस होता है। वर्सेटाइल फ्रूट है, एंटीऑक्सीडेंट रिच है, और इसको हम किसी भी तरीके से खा सकते हैं, सैलड्स में, स्मूदी में, पुडिंग्स में, और तो बहुत तरीके की रेसिपी बना सकते। मैंगो बहुत सारे विटामिंस में रिच होता है, विटामिन ए, बी, सी, B5, B6, फोलेट और पोटेशियम में रिच होता है। सोडियम बिल्कुल नहीं होता है इसमें, तो इसे किसी भी टाइप के लोग खा सकते हैं। हाँ, डायबिटीज़ वालों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है, वो अपने डायबिटीज़ लेवल देख के और अपने डॉक्टर से सलाह करके ही इसे खाएं। बाकी सभी लोग इसे खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप इसे मॉर्निंग के टाइम में खाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा शुगर होता है और प्लांट शुगर है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर मॉर्निंग में खाएंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा, और साथ में ही इसका जो शुगर का लेवल है वो दिन भर में एडजस्ट में बीटा कैरोटीन है, थायमिन है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें। और इसका आप गर्मियों में भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, और इसका मैंगो शेक बनाकर भी पी सकते हैं। और आज मैं आपको जो रेसिपी बताऊंगी उसको आप खाकर वेट लॉस भी कर सकते हैं, और अगर आप उसको वीक में 2-3 बार ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो आपका 3-4 kg वेट इजीली लूज़ हो जाएगा। बहुत ही डिलीशियस फ्रूट है। ये हमारी हेल्थ के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम, स्किन, हमारे हेयर, आइज सभी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है और इसमें विटामिन सी होता है जो स्किन को और एनहेंस करता है। और अगर आप इसका कुछ दिनों तक प्रयोग करते हैं मॉडरेशन में तो आपकी स्किन भी अच्छी हो जाती है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से इस फ्रूट को आप बहुत तरीके से इस्तेमाल करेंगे और मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे। मैं आपको देर ना करते हुए किचन में ले चलती हूँ, बाकी बातें हम वहीं करेंगे। इस खूबसूरत से दिखने वाली पुडिंग की शुरुआत करते हैं। मैंने आलमंड मिल्क लिया है, इसकी रेसिपी आपको मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताई थी, बहुत ही ईजी होता है बनाना। और इसमें मैंने चिया सीड्स डाल दिए हैं, करीब आप मान लीजिए 2-3 स्पून चिया सीड्स डाल दिए हैं। और चिया सीड्स प्रोटीन रिच होते हैं, ओमेगा-3 फैटी एसिड रिच होते हैं, और वेट वॉचर्स के लिए बहुत अच्छे हैं, डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छे हैं। साथ में ही इसमें ऑर्गेनिक हनी डाल दिया है, और आप चाहें तो शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर वेट लूज़ करना है तो हनी ही डालें। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे और इसको ठंडा होने देंगे, करीब 1-2 घंटे तक फ्रिज में रहेगा और ये अच्छे से फूल भी जाएगा। अब हमने एक बड़ा सा आम लिया है, इसको प्यूरे कर लिया है, और इसको भी अब हम फ्रिज में रख देंगे, और जिससे कि दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से ठंडी हो जाएं। समर्स हैं और चिल चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। हमने 1 कप दूध बचा लिया था आलमंड का, और इसको अब हम इसकी कंसिस्टेंसी को बराबर करने के लिए यूज़ करेंगे। जो चिया सीड्स का मिक्सचर बच जाए उसे आप वापस फ्रिज में रख दें, और उसके साथ कोई भी चीज़ बना सकते हैं, ओवरनाइट ओट्स, आप स्मूदीज़ में और कोई फ्रूट कंबाइन करके खा सकते हैं। इसको हम इस तरीके से ग्लास में लेयर कर रहे हैं, आपको जिस तरीके का लेयर पसंद आए आप उस तरीके से कर सकते हैं। मैं 2-3 तरीके से आपको बता दूंगी, और इसमें मैं म्यूसली और एलिमेंट्स और कुछ नट्स डाल रही हूँ, जिससे कि क्रंच भी आएगा और साथ में ही बहुत मखमली फ्लेवर आएगा, क्योंकि आम तो बहुत टेस्टी होता है और सबको बहुत पसंद होता है। और ये ठंडी ठंडी प्यूरी की हम लेयर बना रहे हैं, और चिया सीड्स का मिक्सचर भी अच्छे से चिल्ड हो चुका है। इसको आप 1-2 घंटे फ्रिज में रखते हैं तो ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाता है, और इस तरीके से आप अपना ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। आप इसे रात में भी बना के फ्रिज में रख सकते हैं, आप अपने मेजिन जार में बना के इसको गाड़ी में कैरी कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस के लिए, रास्ते में आप इसे ग्लास में रख के खाते हुए जा सकते हैं मेजिन जार में। और इस तरीके से इसको खाना भी बहुत आसान है और बनाना भी, और बिल्कुल भी हमें गैस वगैरह जलानी नहीं पड़ी। तो इस तरीके से ये बैचलर्स के लिए भी बहुत अच्छी है, और वीगन है तो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले के लिए भी बहुत अच्छी है, और वेट वॉचर्स के लिए बहुत अच्छी है अगर वो इसे खाएंगे।
तो 2-3 केजी वेट लूज़ हो जाएगा। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। कौन सा ग्लास लेना चाहेंगे आप? और आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा। फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा और पिक्चर्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने इसमें चिया सीड और एलमंड मिल्क का इस्तेमाल किया है, जो दोनों ही बहुत नरिशिंग है हमारे लिए। और साथ में ही एलमंड मिल्क तो वीगन है, और जो वीगन लोग हैं या जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है उनके लिए बहुत अच्छा है और बहुत ईजिली बन जाता है। इसकी मैंने वीडियो अभी मंडे को ही अपलोड की है और वो आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी, और आपको पता चल गया होगा कि कितनी ईजिली हम घर पर ही बिना प्रिजर्वेटिव के एलमंड मिल्क बना सकते हैं। और चिया सीड ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच होते हैं, मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया, प्रोटीन रिच होते हैं, और मैंगो की तो बात ही क्या है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रिच है। तो इस वर्सेटाइल फ्रूट का इस पुडिंग में मैंने यूज़ किया। आप इस पुडिंग को बनाएंगे और मुझे अपना फीडबैक शेयर करेंगे, और जिन लोगों का इससे वेट लॉस होता है वो मुझे ज़रूर बताएंगे और मुझसे पिक्चर शेयर करेंगे। आप जो भी आज पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।